जय मसीह की। आप सबका इस स्पेशल प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति मौजूद है, आचार्य विकास मसीह। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में ब्रदर। आचार्य विकास मसीह का योगदान बहुत सारे क्षेत्रों में है, आत्मिक क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में है। आज हम उनसे दिल खोल के बात करने वाले हैं और मैं उनसे एक ही पूछना चाहूँगा, ब्रदर आप हमारे दर्शकों को आज क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास बहुत सारी बातें हैं उनसे कहने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा चहुमुखी विकास चाहता है। तो हम सोचते हैं कि हम प्रभु के प्यार के बारे में बात कर सकते हैं, उसके उपहार, उसकी बुद्धि के बारे में बात कर सकते हैं, जीवन के बारे में बात कर सकते हैं और बहुत सी बातें। आई थिंक हम जब आगे बढ़ेंगे तो वो प्रभु हमारी सहायता करेगा। जी थैंक यू। कुछ देर पहले मुझे बात कर रहे थे कि बुद्धि के बारे में, विजडम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो बाइबल में हम हर तरफ देखते रहते हैं, वो हमारे जीवन में हम किस तरह से उसका अमल कर सकते हैं? मैं इस बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं और बाइबल भी ऐसा कहती है कि एक मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। अगर आप किसी से पूछेंगे हमारी आवश्यकता क्या है तो लोग कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन आवश्यकताएं हैं, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान। ये कहावत भी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और बाइबल ऐसी कहती है कि मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है बुद्धि, समझ। और ये बुद्धि और समझ परमेश्वर ने मनुष्य को उपहार में दिया है और यही है जो हमें पशु से अलग करता है। आप समझ रहे हैं? हमें जो पक्षियों से अलग करता है वो यही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में बनाया है और जो परमेश्वर के पास है वो परमेश्वर ने अपने बच्चों को, हमें और आपको दिया है। तो बुद्धि हमारे लिए सबसे जरूरी विषय है, समझ बहुत जरूरी विषय है। और आप कह रहे हैं कि समझ सीखने से नहीं आती, वो हमें उपहार के रूप में परमेश्वर ने दी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, समझ का आरंभ। सही बात है। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम उससे क्या मांगे? बाइबल में एक राजा सुलेमान की कहानी है, हम सब जानते हैं। तो जब परमेश्वर से राजा सुलेमान की मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने बुद्धि मांगी, बुद्धि मांगी। और उन्होंने बुद्धि मांगी और आप जानते हैं आगे लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि इसलिए क्योंकि तूने बुद्धि मांगी है मैं तुझे आयु दूंगा, तुझे तेरे नाम को बढ़ाऊंगा और तुझे आशीर्वाद करूंगा। ओके। तो बुद्धि के संग देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपके लिए कुछ चीजें पढ़ना भी चाहता हूँ। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, ये बुद्धि कह रही है। ओके। तो हमारी इस संसार में हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन बुद्धि के अंदर वो सारी आवश्यकताएं छिपी हुई हैं। तो जब हम बुद्धि पाते हैं तो उसके साथ पूरी आवश्यकताएं हमारे जीवन में आ जाती है। बिल्कुल, यही सत्य, यही परमेश्वर का वचन है। और आप जो आपकी मिनिस्ट्री में आप यही सिखाते हैं लोगों को? बिल्कुल, हम लोगों की यही, देखिए बाइबल का संदेश क्या है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का जो संदेश है वो ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ओके। मैं अपनी बच्चियों से प्रेम करता हूँ, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए योजना बनाते हैं, हम उनके लिए सोचते हैं, दिन रात हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। यही तो प्यार है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और जब हमसे प्रेम करते हैं तो हमें उपहार देना चाहते हैं। हम उपहार किसे देते हैं? जिसे प्रेम करते हैं, जिसे प्रेम करते हैं। हम उसको, हम किसी अनजान व्यक्ति को उपहार नहीं देते, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए हम उपहार देते। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक उपहार दिया है और वो है बुद्धि, समझ। और उसके द्वारा हम बलवंत होते हैं, सशक्त होते हैं, निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम प्रसिद्ध होते हैं। लिखा है धन और प्रतिष्ठा भी मिलती है और सारे कामों में बुद्धि हमारी अगुवाई करती है। मेरे जिंदगी में समझ पानी है जो परमेश्वर की तरफ से आती है तो वो मैं कैसे पा सकता हूं? बिल्कुल सरल है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है, मून हैज नो लाइट, नो लाइट, कोई उसके अंदर प्रकाश नहीं है। लेकिन वो कैसे चमकता है? जब सूर्य का प्रकाश, द लाइट ऑफ सन रिफ्लेक्ट्स टू मून, उसके ऊपर जब टकराता है तो मून प्रकट होता है, दिखता है। ठीक इसी तरह हमारे पास वो बुद्धि और समझ नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है सब भलाइयों का स्रोत परमेश्वर है। God is the source of all good things. Everything comes from the Lord. Yes. सब कुछ। तो जब परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकता, और वो तभी होगा जब हम उसके पास आएंगे। हम जब उसके पास आएंगे, उसे मांगेंगे। प्रभु का वचन कहता है जिसको बुद्धि की कमी हो, जिसकी समझ की कमी हो, मेरे पास आए, मेरे वचन को ढूंढे। लिखा है चांदी को नहीं लेकिन मेरी बुद्धि को, मेरी समझ को ले लो। बुद्धि का मूल्य हीरे से और मूंगों से भी अधिक ज्यादा है, ये प्रभु का वचन है। और प्रभु अपने लोगों को बुद्धि देना चाहते हैं। आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। आपने कहा कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो उसमें जो बुद्धि है वो मुझे देगा और वो
मेरे द्वारा प्रदर्शित हो जाएगी। लेकिन फिर एक प्रश्न जरूर आता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के पास मैं कैसे जा सकता जी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पूरी बाइबल को समझना होगा। अगर आप एक अध्याय पढ़ लेंगे या कुछ एक लाइन पढ़ लेंगे तो नहीं समझेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के विषय में विस्तार से बात करती है, विस्तार से। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पर हमारे थोड़े लोग प्रभु यीशु को पीछे चलते थे और थोड़े लोग किसी और बातों पर विश्वास करते थे। तो मैं दोनों ही कल्चर में और फेथ में बड़ा हूँ, और मैंने उसके साथ साथ बहुत सारे शास्त्रों का भी अध्ययन किया। जब मैं बहुत सारे शास्त्रों को और बाइबल को पढ़ रहा था तो मैं ध्यान से देख रहा था, तो मैं पढ़ते 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 जब हम नए नियम में आते हैं वहाँ पर आपको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है प्रभु यीशु। ओके, देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारे 10,000 लोगों के नाम हैं। ओके, इसमें बड़े बड़े राजा हैं, इसमें बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं, तत्व ज्ञानी लोग हैं, इसमें फिलोसफर्स हैं, इसमें हर तरह के लोगों का नाम है। लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का जीवन और उसकी शिक्षा को आप देखें। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानना चाहता है तो वो यीशु मसीह को पढ़े। ओके, ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। ओके, अगर आप स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम पढ़ें वॉल्यूम 7 वॉल्यूम 8 में वाले कहें परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए परमेश्वर आत्मा उसे कोई नहीं जानता, कोई उसे नहीं जान सकता। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमारे भारत के तत्वदर्शियों ने कहा है आप यीशु मसीह को देखें, आप परमेश्वर को पहचान जाएंगे। यीशु मसीह में हम परमेश्वर को कैसे पहचान सकते? बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सारी संपूर्णता, सारी संपूर्णता सदैव उसमें वास करती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप बात कर सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आज से 2000 साल पहले आए। उनका जो जीवन था वो अद्भुत था, उनकी जो शिक्षा थी वो अद्भुत थी, और 2000 साल में, आज 2000 साल हो गया, जहां कहीं उनका संदेश गया लोगों का जीवन बदल गया। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में विस्तार से पढ़ें, मनन करें, अध्ययन करें। हम सब मृत्यु से डरते हैं, we all are afraid of death। मुझे याद है एक बार मैं जयपुर से चेन्नई फ्लाइट में यात्रा कर रहा था, और बहुत तेज फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगा, और पूरा जहाज ऐसा लग रहा था कि वो नीचे गिर जाएगा। ओके, सारे यात्री जो थे वो डर के मारे कांप रहे थे, और पायलट ने भी अनाउंसमेंट किया कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट आई थिंक वी आर फेसिंग सम चैलेंज, सम इश्यूज। अब तो पूरी फ्लाइट में लोगों ने रोना शुरू कर दिया। मैं वहाँ बैठा था, ऑफकोर्स थोड़ा डर मुझे भी लग रहा था, क्या ये मेरा आखिरी दिन होगा? मेरे घर पर एक पत्नी है, दो बच्चे हैं, क्या ये मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा? आई वॉज फीलिंग फियर, बट द बाइबल सेज देयर इज अ मैन हु टेस्टेड डेथ डेलिबरेटली। आमेन। आगे बढ़कर उसने मृत्यु को चखा। हाँ। क्यों कोई मृत्यु को चखना चाहेगा? कोई मृत्यु को क्यों चखना चाहेगा? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, लिखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, इकलौता पुत्र का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के पास एक कोई महिला है और परमेश्वर की उसके संग शादी हो गई है और उनका एक पुत्र है और वो संसार में भेजा गया। इकलौता पुत्र का मतलब है द फुलनेस ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर का संपूर्ण एक मनुष्य रूप में प्रकट होना, जिसको आप बुक ऑफ कोलोसियंस में पढ़ सकते हैं, फिलिपियों में पढ़ सकते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 2 में लिखा है, और लिखा है कि मनुष्य बन गया। ओके, पर यीशु मसीह मनुष्य था नहीं, मनुष्य बन बन गया। करेक्ट, दास का स्वरूप धारण किया। ओके, दास था नहीं, धारण किया। तो इस संसार में यीशु मसीह क्यों आया? परमेश्वर मनुष्य क्यों बना? इसकी एक जरूरत थी, एक जरूरत थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो ये है कि परमेश्वर को जाने। सही, हम परमेश्वर को जाने। और आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति, भाषा, कुल क्षेत्र से कहीं हो, आपके मन में परमेश्वर के प्रति एक आदर है, एक प्रेम है, और आप जानना चाहते हैं, आप उस परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और जानना चाहते हैं। प्रश्न आता है आप उस परमेश्वर को कैसे जानेंगे? उदाहरण के तौर पर आज मेरी आपसे मुलाकात पहली बार हुई है। सही, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे बारे में कुछ बताएं तो आप बता पाएंगे? नहीं, नहीं बता सकते। जब थोड़ी देर हम बात किए हैं उतना ही बता सकूंगा। मेरे विषय में आपको परिचय कौन देगा? मेरा संपूर्ण परिचय आपको कौन दे सकता है? जो आपको जानता हो वो भी नहीं दे सकता। मेरा संपूर्ण परिचय मैं दूंगा। सही, मैं दूंगा। बहुत ही सही, क्योंकि परिचय केवल एक डिग्री नहीं है, एक काबिलियत नहीं है। परिचय मनुष्य का संपूर्ण स्वभाव, उसकी सोच, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है, एक मनुष्य का संपूर्ण परिचय उसके अंदर छिपा है। मैं दूंगा अपना परिचय। परमेश्वर का परिचय कौन देगा? खुद परमेश्वर। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर का परिचय दे सकता है? नहीं। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी याज गाए के कौन भयो समरत, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। इस संसार में कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया?
मौसम कौन कटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पतितन में नामी। हम सब अंधकार में बैठे हैं, हम सब पाप में बैठे हैं और हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ। काली भैंस, एक काली भैंस हरी घास खाती है और सफेद दूध देती है, आप समझ रहे हैं? समझ गया। एक रहस्य रहस्य है। काली भैंस हरी ग्रास खाती है और सफेद दूध देती है। इट्स अ मिस्ट्री। यस, सेम वे गॉड इज अ मिस्ट्री। और इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को कोई भी मनुष्य खोल नहीं सकता। तो इसलिए परमेश्वर खुद वो रहस्य खोलने के लिए आए। नैति नैते केनापि जनम, हमारे भारतीय दर्शन में लिखा है, उसको कोई नहीं जानता। उसे आप कैसे जानेंगे? उसका सिंहासन स्वर्ग में है। स्वर्ग कोई गया क्या? नहीं, कोई गया? कोई कह सकता है कि मैं स्वर्ग होकर आया हूँ? लेकिन इस संसार में एक व्यक्ति जिसने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। वो स्वर्ग होकर नहीं आए, स्वर्ग से आए। That is the difference. वो इस संसार में मनुष्य बना, लिखा है, परमेश्वर मनुष्य बना, God the Word become flesh and lived among us. Yes. देखिए ब्रदर, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए और आपके लिए संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति फिल्म देखने जाता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग विषय हो गया। कोई व्यक्ति फिल्म देखने जाता है और अगर फिल्म का समय 3 बजे का है या 6 बजे का है, तो व्यक्ति कितने बजे जाएगा? वो समय पे या समय से पहले। और अगर वो 3 बजे का शो है और अगर वो 4 बजे या 5 बजे शो देखने जाएगा, उसे क्या मिलेगा? उसे नहीं मालूम होगा कि ये जो हीरो है इसको क्यों मार रहा है, शुरुआत क्यों है, कहां से हो, ये लड़ाई क्यों हो रही है, वो समझ में नहीं आएगा। मनुष्य की आवश्यकता को समझें। पापम पापात्मा पापकर्मा पाप संभा त्रहिमाम पुण्यक्षाम सर्व पाप हरे हरे, परमेश्वर हम पापी हैं। बाइबिल कहती है संपूर्ण मनुष्य पाप में, सारा संसार पाप में है, अंधकार में है। आप जेल में बंद हैं, आपको नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है। Somebody has to come from outside. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जेल नंबर 9 में बंद हूँ और आप 10 में बंद हैं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको जेल पहुंचा दिया। मैं जेल 9 में बंद हूँ, सेल में। आप 10 में बंद हैं। आप मेरी पैरवी कर सकते हैं? नहीं। मैं आपकी पैरवी कर सकता हूँ? नहीं। आप सोचिए, जज वहां से जा रहा हो और मैं कहूँ जज साहब हमारे ये भाई बहुत अच्छे हैं, इनको प्लीज छोड़ दीजिए, क्या ये होगा? नहीं होगा। जज साहब मेरी बात, वो कहेंगे पहले आप अपनी चिंता करो। करेक्ट। आप जेल में बंद हो, आप ठीक हो जाओ, पहले आप ठीक हो जाओ, आप इनकी चिंता बाद में करना। हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बाहर से आकर हमारी पैरवी करे। हमारा जो दाम है, हमारी जो बाहर से आके छुड़ाए, वो यहाँ का नहीं रहना चाहिए। आप किसी भी शास्त्र को पढ़िए, कुछ भी पढ़े, आपका किसी भी धर्म किसी भी पुस्तक पर विश्वास हो, आपको सभी जगह पर एक बात कॉमन मिलेगी, मनुष्य पापी है, मनुष्य अंधकार में बैठा है। करेक्ट। और वो मनुष्य की सहायता नहीं कर सकता। बाइबिल कहती है क्या एक अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं दिखा। हम वचन खोलेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा क्विक चल रहा हूँ। क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं। एक शब्द है गुरु, ये बड़ा फेमस प्रचलित शब्द है, विशेष रूप से हमारे भारत देश में। क्या मतलब है? गु माने अंधकार और रू माने दूर करने वाला। ओके। जो अंधकार को दूर करे वो गुरु है। आप समझ रहे? मैं समझ। अंधकार को दूर, अब अंधकार दूर कौन करेगा? हम सब तो अंधकार में बैठे। जो खुद प्रकाशित है या जिसके पास प्रकाश है वो ही। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर संसार में आना पड़ा। मैं आपको एक सच्चा किस्सा बताता हूँ। 1992 में ओलंपिक हो रहा था और डेरिक रेनमोंड नाम का एक जवान धावक मैदान में दौड़ रहा था। 400 मीटर की दौड़ थी और सारे धावक दौड़ रहे थे। अचानक डेरिक रेनमोंड जमीन पर गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई। उसने उठकर दोबारा दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से वो नहीं दौड़ पाया और उसके जो सारे साथी थे वो आगे निकल गए। 63,000 लोग स्टेडियम में बैठे थे जो तालियां बजा रहे थे, उनकी तालियां रुक गई। अचानक एक व्यक्ति भीड़ में से दौड़ता हुआ मैदान में आया। डेरिक जमीन पर गिर गया था, रो रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे। वो दौड़ कर आया और उसने डेरिक को आगे गले लगाया और उसके आंसुओं को पोंछा। डेरिक ने कहा पिताजी। ओहो। अब देखिए, ओलंपिक के मैदान में जो धावक दौड़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता, मैदान में नहीं आ सकता, इट्स नॉट अ लॉ। ओके। जब क्रिकेट चल रहा हो और आप बैठे हुए हैं, मैच देख रहे हैं, अगर आप दौड़ के अंदर जाएंगे तो आपको निकाल दिया, बाहर फेंक दिया जाएगा। देखा है आपने? आप समझिए, ये असंभव है। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां पर आया, पुलिस ऑफिसर से उसको रोका। आप वीडियो देख सकते हैं, डेरिक रेनमोंड के नाम से रोका, लेकिन ही पुश्ड हिम। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो डेरिक का पिता था। वो दौड़ कर डेरिक के पास में आया, डेरिक के आंसुओं को पोंछा। डेरिक हार चुका था, ही लॉस्ट द रेस। लेकिन जानते उसने क्या कहा? डेरिक ने कहा कि पिताजी मैं ये दौड़ हार गया हूँ, लेकिन मेरी सहायता कीजिए, मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ।
दौड़ पूरा करना चाहता हूँ। और फिर डेरिक के पिता ने अपना कंधा डेरिक को दे दिया और उसकी सहायता की और धीरे 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 वो फिनिश लाइन तक पहुंच गए। डेरिक दौड़ तो हार गया था लेकिन दौड़ पूरी कर ली। ओके, हम सब पाप में गिरे हैं, हम हार चुके हैं, वी हैव गिव अप। तो वो हमें इस तरह से कंधा देने को आया। दैट इज द रीजन। मैं आपका एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्रूस के ऊपर। देखिए, मैंने फिर कहा पिक्चर को पूरा देखेंगे आप समझेंगे, पूरे तीन शुरुआत से। हम फिर भी बीच बीच की बातें कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए। जब आप क्रॉस को देखते हैं तो क्रॉस प्राचीन काल में पहली शताब्दी में ये एक गंदा शब्द हुआ करता था, एक गाली हुआ करती थी, एक मृत्यु का चिन्ह हुआ करता था और इसे गुफा में रखा जाता था। जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तब क्रॉस लाकर उसको दे दिया जाता था। अब आप सोचिए, आपके सामने क्रॉस दिया जाता है और उस पर आपको मरना है तो उसको देखकर आप डरेंगे, एक फांसी के फंदे के समान। जब हमारी सरकार किसी को फांसी की सजा देती है तो वो डरेगा कि देखो वही कल मुझे फांसी दी जाएगी। और जब वो फंदे को देखेगा, फांसी के फंदे को देखेगा, कितना डरेगा वो, क्योंकि मौत देख दिख रही है वहां पे। मृत्यु है वो, मृत्यु, साक्षात मृत्यु सामने खड़ी है और कोई मरना नहीं चाहता। तो क्रॉस जो था इट वॉज ए साइन ऑफ डेथ, साइन ऑफ पेन। एक दिन क्या हुआ, यही क्रॉस यीशु मसीह को दे दिया गया, साइन ऑफ डेथ, आपको इस पर मरना है। और बाइबल कहती है, इतिहास कहता है कि यीशु मसीह ने क्रॉस को गले लगा लिया और क्या हुआ, उसके ऊपर मर गया। लेकिन मर तो गया, उसने क्रूस की परिभाषा को बदल दिया। अब वो जो मृत्यु का चिन्ह है, दर्द का चिन्ह है, अब वो क्षमा और आशीष का और आशा का चिन्ह है। आमेन। ये है, जब यीशु आता है, यीशु आपके जीवन में आएगा, आपका कोई धर्म नहीं बदलेगा, जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। ओके, आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसकी संतान हैं। हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है, हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। डेरिक रेनमोन गिर गया था, उसको सहारे की आवश्यकता है। That's right. उसे कोई कहे अरे तुम दौड़ो, कोशिश करो, नहीं तो कोशिश तो उसने किया ना, गिर गया ना। हाँ। उसके पैर में तो दर्द है, अगर वो कोशिश करके जीती जाता तो अपने पिता के कंधे की जरूरत क्या होती। वो तो दौड़ ही रहा था ना। यही आपको समझना है, मनुष्य पापी है, पाप में गिरा है। और मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, हम सब जानते हैं हम कैसे हैं। करेक्ट, सबको पता है। मैं अपने विषय में जानता हूँ कितने और कौन कौन से पाप मैंने किए और मैं यहाँ बैठा हूँ। हम सब अपने विषय में जानते हैं। चाहे हम किसी भी जाति के हों, भाषा के हों, किसी भी कुल क्षेत्र के हों। और इसका एक और उदाहरण, अखबार पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि संसार में क्या हो रहा है, संसार में कितना डर है, कितनी चिंता है। हमारे बच्चे सड़कों पर नहीं निकल पाते, हम डरते हैं। देखिए, क्रोध, जब हम सड़क पर चलते हैं और थोड़ा सा किसी के संग हमारी गाड़ी टच हो जाए, टक्कर हो जाए, तो वो आदमी आपको मरने आएगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा भैया आपको चोट तो नहीं लगी, आपसे नहीं पूछेगा, उसको आपकी चिंता नहीं है, उसको क्रोध है। ये क्रोध कहां से आता है? ये क्रोध पाप से आता है। लोग पाप को नहीं जानते, पाप है क्या। इन्हीं बातों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, नया जीवन देने के लिए जीसस ने ये नहीं कहा आई विल रिपेयर योर हार्ट, मैं तुम्हारे मन को, दिल को रिपेयर करूंगा। He says, I will give you a new heart. Amen. तो पुराना हार्ट निकाल के नया दिल, एक नया मन। Amen. एक नया मन। और जिससे हमने शुरू किया था, बिना बुद्धि और समझ के आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। सही है, आपको इन बातों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। बाइबल में भी कहते हैं ना, the message of cross is foolishness to those who are perishing. Yeah, definitely. तो इसलिए उस परमेश्वर का परिचय कोई नहीं जानता था, उसको कोई नहीं जानता ब्रदर। और अगर यीशु मसीह संसार में नहीं आता, परमेश्वर मनुष्य नहीं बनता, तो आज भी एक रहस्य होता। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने आप को संसार में प्रकट किया और बाइबल विस्तार से इसके विषय में बात करती है। यीशु क्रूस पर हमारे लिए मर गया जी, हमारे लिए उसने हमारे पापों की, हमारे शापों की, सबके परिहार करने के लिए वो क्रूस पर मर गया। फिर उसके बाद उसको जो वापस जीवित हो जी, गया जी, उसका हमारे जीवन से क्या संदर्भ होगा? देखिए, एक वर्ड है रेजरेक्शन, यस, पुनरुत्थान। ये जो वर्ड है रेजरेक्शन, पुनरुत्थान, ये कभी किसी चीज के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया, किसी मनुष्य के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया। नहीं हुआ कभी। इसका इस्तेमाल केवल यीशु मसीह के लिए है। हाँ। इस वर्ड का, इस शब्द का, इट, दिस वर्ड हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर पर्सन इन द हिस्ट्री, इन द वर्ल्ड, द ओनली वन हु वन द विक्ट्री ओवर डेथ। और ये इतिहास है सर। मैं कहता हूँ चलिए बाइबल को बंद कर देते हैं। हाँ। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जीवित है या जीवित हो गया,
एक दिन मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, तो हम ऐसे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बाइबल को कभी नहीं पढ़ा। हाँ। वो बोले हाँ यीशु मसीह है, इतिहास में उसका नाम है, AD और BC है। तो मैं बोला कि फिर यीशु मसीह का क्या हुआ, आगे क्या हुआ? बोले साहब बहुत अच्छे थे, एक्चुअली वो एक मिनिस्टर थे। ओके। और वो एक सभा, मैं पूरी बात बताता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं एक बड़ी सभा में प्रचार करने गया और एक मिनिस्टर वहाँ पर आए थे, वो तो वो वहाँ चीफ गेस्ट थे। तो थोड़ा मौका उनको दिया गया कि वो थोड़ा सा दो शब्द कहें। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि इतिहास में बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए, संत आए, और यीशु मसीह भी आए, उनकी शिक्षा, उनका जीवन अलौकिक है और बहुत अच्छे काम, ऐसे महापुरुष ऐसे संत हजारों सालों में एक बार पैदा होते हैं। मैं वहाँ बैठा था, मैं पूरे अध्याय, मैं संपूर्ण पिक्चर को जानता हूँ। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं एज में तो आपसे कम हूँ, आप इतने बड़े मिनिस्टर हैं, सब कुछ है, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने बाइबल पढ़ी है? कहते नहीं बाइबल नहीं पढ़ी है। ओके। मैंने कहा फिर आपको ये सारी बातें, ये तो चलते फिरते जो थोड़ा हम लोग अखबार में पढ़ते हैं या आप सुनते हैं ये इधर उधर से। मैंने कहा सर मैं आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद हूँ, जो कुछ आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप जानते हैं आगे क्या हुआ? हाँ आगे तो वो यीशु मसीह को क्रॉस पे मार दिया। आपको कैसे पता? आपको, मैंने पूछा आपको कैसे पता? अभी हम बाइबल की बात ही नहीं कर रहे ना। सही, उन्होंने बाइबल पढ़ा ही नहीं, बाइबल पढ़ा ही नहीं है, उसको क्रॉस पे, कहते ये तो दुनिया जानती है। ओके। ये तो हिस्ट्री में लिखा, इतिहास में लिखा है। जीसस इज द सेंटर फिगर ऑफ द हिस्ट्री। आमेन। HISTORY, हिस्ट्री, द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। आमेन। AD और BC किसी का नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं, आपका स्टोरी अगेन। हां, ADBC यानी डोमिनियन बिफोर क्राइस्ट। किसी ने कहा कि अगर इतिहास से यीशु को हटा दो, इतिहास बिखर जाएगा। सही बात है, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। देखिए फिर मैं आपका अटेंशन लाता हूं, मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा, इतिहास से बात कर रहा हूं। इतिहास में यीशु का नाम है। इतिहास में यीशु का नाम है। मैं पूछता हूं उस यीशु का फिर क्या हुआ? तो आप कहेंगे उसे क्रूस पर चला दिया गया। कहां लिखा है? इतिहास में लिखा है। सही, आगे बढ़िए, फिर क्या हुआ? फिर आप पढ़ेंगे कि इतिहास के अनुसार, बाइबल के अनुसार, अब आपको यहाँ आना पड़ेगा पूरी स्टोरी जानने के लिए। वो यीशु जिंदा हुआ, he came back to life, 40 दिन फिर पृथ्वी पर रहा। देखिए मैं एक इंजीनियर हूँ, आप भी डॉक्टर हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति जिसको कब्र में रख दिया गया है, जिंदा होगा? नहीं हो सकता। आप मेडिकली बताइए मुझे, मैं भी इंजीनियर हूँ, थोड़ा दिमाग मैं भी लगाता हूँ, थोड़ा भी लगता है, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो मैं आपसे दो बातें कहता हूँ, अगर यीशु जिंदा नहीं हुआ, if he is not resurrected, तो हम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं। करेक्ट। जो हम एक ऐसी बात पर विश्वास, आप डॉक्टर हैं, मैं इंजीनियर हूं। मुझे याद है मेरी मुलाकात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से हुई थी। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो वो बैठे हुए थे, मैंने हाथ जोड़ा, उनको नमस्कार किया, अभिनंदन किया, बड़े नम्र और बड़े, उनके उनके चेहरे से प्रेम प्रकट होता है, प्यार उनके चेहरे से प्रकट होता है। मैं गया, मैंने कहा सर मुझे आपसे कुछ कहना है। बोले बोलिए। तो मैंने कहा सर मैं आपको थोड़ा यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने मेरा ये स्टेटमेंट सुना कि मैं आपको ये, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ, प्रेसिडेंट, हाँ, एक्स प्रेसिडेंट, हमारे सबसे महान व्यक्ति, हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? मैं आपको यीशु के बारे में बताऊं थोड़ा सा, वो खड़े हो गए। मैं मुझे लगा शायद नाराज हो गए। बोले नहीं नहीं, मैंने कहा सर आप बैठ जाइए, आप, मैं खड़े होकर ही आपसे बात कर लूंगा, आप बैठ जाइए। बोले यंग मैन आई डोंट नो हु आर यू, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, पहली बार मिल रहा था ना, लेकिन द नेम यू टुक इज द मोस्ट ऑनरेबल नेम एंड आई शुड ऑनर हिम। अब वो खड़े हो गए। आमेन। और फिर हमारी 5-10 मिनट बातें हुई, मैंने, वो खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक बाइबल है। मैंने कहा सर बाइबल तो सबके पास हो सकती है, लेकिन आपने पढ़ा है क्या? उन्होंने कहा मैं जरूर इस बात पर मनन करूंगा। तो यीशु को संसार जानता है, बुद्धिमान लोग, वैज्ञानिक लोग जानते हैं यीशु एक इतिहास का व्यक्ति है। सही, ठीक है, मारा गया, यही तो इतिहास है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जीवित हो गया। ब्रदर, हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पास इतना समय हमारे साथ अपने स्पेंड किया और इतनी दिलचस्प बातें बताई। ये हमारी बहुत ही, वी आर ऑनर्ड टू हैव आवर ब्रदर विद अस ये शो में हमारे से बात करने के लिए। ब्रदर, मैं आखिरी में आपको एक पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे दर्शकों को सिर्फ एक बात आप बताना चाहेंगे कि जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक सेब है, एप्पल है, और वो सामने रखा है, और मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, वो वेरी गुड एप्पल, इट्स वेरी डिलीशियस, वेरी फ्रेश, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी। इवन अगर आप उस एप्पल को अपनी जेब में भी रख लेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। यस, यू हैव टू ईट दैट, आपको उसे ग्रहण करना पड़ेगा।
तब उस एप्पल के अंदर जो क्वालिटी है वाइटामिन से जो भी उसके अंदर तत्व हैं वो आपके शरीर में आपको सहायता देंगे, मदद करेंगे। ठीक इसी तरह परमेश्वर का वचन, ये अगर आपके घर में कहीं बंद पड़ा है इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, उसका कुछ भी फायदा, ये आपकी गाड़ी में रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसे उठाएंगे और पढ़ेंगे लिखा है तेरा वचन खुलने से प्रकाश पैदा होता है। आमेन। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास ये बाइबल है तो आप इसे जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, और अगर नहीं है तो जाएं ढूंढें पाएं और इसे पढ़ें, इसमें जीवन है, सामर्थ्य है। और जो आप बुद्धि के बारे में कहते थे, जो समझ के बारे में कहते थे, वो भी यही इस बाइबल में है। देखिए बहुत बड़ा विषय हो जाएगा फिर ये, जीसस ने आपको केवल इटर्नल लाइफ का प्रॉमिस नहीं किया, अबंडेंट लाइफ का प्रॉमिस किया है। Amen. आपको इस दुनिया में 70 साल 80 साल रहना है, हाँ. जो भी आपकी आयु है रहना है, उसके लिए आपको बुद्धि चाहिए, सीढ़ियां उतरने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए आपको बुद्धि समझ चाहिए, ऑफिस चलाने के लिए, दफ्तर चलाने के लिए, मंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए, काम करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। और बाइबल कहती है बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है, उसके पास आए, उस बुद्धि को जीवन को प्राप्त करें, और देखिए जैसा हमने पढ़ा था सब कुछ बुद्धि के पीछे पीछे आएगा, सब Amen, कुछ। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और मैं आचार्य विकास मसीह जी से प्रार्थना करूं, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। जी ये मेरा सौभाग्य, आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके लोग जो इस समय प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं, वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों में, उनके काम में, उनके आने जाने में, सब बातों में आप उनकी सहायता करें। प्रभु बनकर पिता परमेश्वर, मित्र बनकर, यद्यपि बाइबल कहती है यद्यपि आप महान अगम आदित्य विराट परमेश्वर हैं, आपका सिंहासन तो स्वर्ग में है, लेकिन आपका वचन प्रभु जी यूहन्ना 15:15 में कहता है कि अब तुम मेरे मित्र हो। पिता आपने हमें अपना मित्र बनाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और यही प्रार्थना है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में शांति हो, आशीष हो, और वो आपकी बुद्धि और समझ की बातों को ग्रहण करें पिता, और अपने जीवन में उस बल को प्राप्त करें जो आपसे मिलता है पिता। धन्यवाद सब बातों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। जय मसीह की। जय मसीह की।